पाँच छः के 15 साल तक बाट देख रही अगर ये पुल बनेगा माजरा का है जी मेरा यहाँ हम भी सभी आज का बनेगा कल को बनेगा और बागपत के छपरौली से यमुना होकर गुजरती है। यमुना पार करते ही हरियाणा की सीमा शुरू हो जाती है। छपरौली के लोग पिछले 40 साल से हरियाणा से कनेक्टिविटी के लिए एक पुल की मांग कर रहे हैं। पुल बन जाने से लोगों को आने जाने में आसानी तो होगी ही, किसानों को उनकी फसल की अच्छी कीमत भी मिल सकेगी। लेकिन पिछले 40 साल से पुल के नाम पर बस राजनीति ही हो रही है, पुल नहीं बन पा रहा है। दरअसल छपरौली से हरियाणा को जोड़ने वाला यह पुल, इसकी मांग चौधरी चरण सिंह के ज़माने से की जाती रही है, क्योंकि ये क्षेत्र कृषि बाहुल्य क्षेत्र रहा है और यहाँ की फसल का अच्छा दाम हरियाणा में मिले, इसलिए एक बड़ी मांग की जाती रही हमेशा कि हरियाणा से यूपी को जोड़ने वाले एक पुल का निर्माण हो। यहाँ स्थिति यह है कि ये पुल यहाँ के लिए एक बड़ी मांग है, बड़ी ज़रूरत है, लेकिन फिलहाल ये राजनीति के अखाड़े में दबा हुआ नज़र आता है। अब ये पुल कब मूर्त रूप लेगा कोई नहीं जानता है। 2019 के चुनाव सिर पे हैं तो पुल का जिक्र शुरू हो चुका है, पुल के बारे में बयानबाजी शुरू हो चुकी है, पक्ष और विपक्ष दोनों पुल के बारे में बात करते हैं। लेकिन यहाँ के किसान का जो फसल है इसके लिए अच्छे दामों के लिए ये पुल बेहद ही ज़रूरी है और लगभग 35-40 साल से इसकी उपेक्षा होती आ रही। जैसे मेरे भाई जी ने बोला अभी गोरीपुर चलेगा, कराना चलेगा, लेकिन यहाँ पर कोई कुछ नहीं हो पाया। संभाल का है, पास में मंडी है, अच्छे दाम मिलेंगे, यहाँ का किसान खुशहाल होगा, लेकिन राजनेताओं के चक्कर में कभी भी यहाँ का कोई काम हो ही नहीं पाया। छपरौली और हरियाणा के सीमा विवाद के बारे में हमने बागपत के सांसद सत्यपाल सिंह से भी बात की। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा को उसके बारे में चिट्ठी लिखी है, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री उनको भी उसमें चिट्ठी लिखी है। कल मैं पानीपत में था, कल भी इस बारे में मुझे कुछ लोग मिले थे, वहाँ के एक माननीय मंत्री जी थे, इस विषय पर बात की गई। ये विषय जो है ऐसा विषय नहीं है कि ये किसी का जमीन का बंटवारा है, ये बहुत एक गंभीर प्रश्न है और गंभीर प्रश्नों के लिए गंभीर प्रयत्न करने पड़ते हैं और बहुत ही सार्थक प्रयत्न करने पड़ते हैं जब समस्याओं का समाधान होता है। छपरौली के लोगों की अगली बड़ी परेशानी है शिक्षा व्यवस्था की। करीब 22 साल पहले यहाँ एक डिग्री कॉलेज बनकर तैयार हुआ था, लेकिन अब तक ना उसमें प्रोफेसर है, ना छात्र है और ना ही शिक्षा का स्तर। शिक्षा की व्यवस्था तो यहाँ पे जी बहुत खराब है। एक हमारे यहाँ पे विद्या मंदिर में जो था जमीन लेके उसकी 50 बीघे निजी जमीन हमने दी थी 1996 में, एक डिग्री कॉलेज के लिए यहाँ पे घोषणा हुई थी कि राजकीय डिग्री कॉलेज बनाया जाएगा। 22 साल में उसमें केवल BA की नाम की क्लास है, एडमिशन होते हैं, बच्चा कोई ना कोई वहाँ पे प्रोफेसर आता, ना कोई फैकल्टी है, BA से अलावा कोई क्लास शुरू नहीं हुई आज तक। हमारे यहाँ से जो ये कॉलेज बना, नाम को बना दिया, बिल्डिंग बनेगी, लेकिन बच्चे जाते हैं सब बड़ौत, बाहर जाना पड़ता है। शिक्षा तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं, यहाँ से एक बार चर्चा चली थी पॉलिटेक्निकल बना हुए, न वो बन पाया, कुछ भी शिक्षा की कोई सुविधा नहीं है। शिक्षा तो बस यहाँ से प्राइवेट बेस पर एक दो स्कूल खुल रहे, ये भी प्राइवेट बेस पे, इनमें भी ऐसी पढ़ाई हो रही है, कोई विशेष नहीं है। छपरौली में चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय है, चौधरी चरण महाविद्यालय में कुछ वहाँ गड़बड़ियाँ हैं, अभी विषय पूरे वहाँ नहीं हुए हैं, उसके लिए मैंने स्वयं अपना मंडल होने के नाते अपने विधायक जी को लिखित रूप में दिया है और उन्होंने उस बात को वहाँ भी उठाया है लखनऊ में, उन्होंने उसमें समाधान होने की पूरे समाधान है। सब्जेक्ट बढ़ेंगे, प्रोफेसर लोग बढ़ेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सुविधाएं बढ़ेंगी। लोगों को मिलने वाली सामान्य नागरिक सुविधाओं का रियलिटी चेक करने के लिए हमारी टीम बागपत विधानसभा में पहुंची। यहां के विधायक हैं BJP के योगेश थामा। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या गन्ना किसानों की।
हम आपको किसानों की समस्या से रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले जरा किसानों को लेकर विधायक जी के दावे सुन लीजिए। मैं तो डेढ़ वर्षों से ही कहूँगा, क्योंकि डेढ़ वर्षों से हम विधायक चुने गए हैं, इतना विकास कार्य पिछले 50 वर्षों में हमारे जनपद में नहीं हुआ। और वो विकास कार्य आप किसी भी क्षेत्र में देख सकते हैं। गन्ना किसानों के लिए, जो मैन यहाँ का गन्ना किसान पर राजनीति रहती है, और गन्ना किसान एक इस ज़िले की जो सबसे एक आमदनी का साधन, लोगों के रोजगार का या लोगों की जो रोज़मर्रा की जीवन जीने का है, वो गन्ने से जुड़ा हुआ है, तो उस पर भी बहुत काम किया गया है। विधायक जी तो किसानों के विकास का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस दावे की जमीनी हकीकत यह है कि किसान परेशान हैं, उन्हें गन्ने की पेमेंट नहीं मिल पा रही है। यह आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, यह आरोप खुद गन्ना किसान लगा रहे हैं। गन्ने के पेमेंट के लिए तो इतनी दिक्कत है लोगों के पास में, दवाई के पैसे नहीं है, और खास मलकपुर मिल के, मलकपुर मिल तो पेमेंट करता ही नहीं बिल्कुल भी। किसानों के हालात इतने ख़राब हैं कि यदि इस सरकार ने कुछ अनदेखी करी तो सबसे ज़्यादा इस सरकार ने करी, और इस टाइम हम इतने परेशान हैं कि एक पैसे से मोहताज है। हमारे मुख्यमंत्री साहब कुछ नहीं कर रहे, रोज वादा कर रहे, झूठ बोल रहे सरकार सारी, मोदी भी झूठ बोल रहे, हमारे मुख्यमंत्री योगी भी, इनका काम और कुछ नहीं, ना पेमेंट आए बिलो, ना गन्ने की कोई व्यवस्था हुई बिलो, आगे किसानों का गन्ना गेहूँ कहाँ बोएगा, खेत खाली नहीं हुआ, छोटा किसान है, इतनी पैदावार नहीं होती, तो इसलिए ये दोनों सर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं मोदी जी हैं, झूठ की सरकार है बिल्कुल, और बढ़िया काम कोई नहीं कर। हमने बागपत के विधायक योगेश धामा, यहाँ के सांसद सत्यपाल सिंह और यहाँ के डीएम ऋषिकेंद्र कुमार से गन्ना किसानों की वास्तविक स्थिति को बताया, उनसे पूछा कि गन्ना किसानों की पेमेंट कब तक होगी। इन तीनों के जवाब आप भी सुनिए। पेमेंट का इशू यह है, हमारा बागपत मिल है, बागपत मिल कोऑपरेटिव मिल है, इसका टोटल पेमेंट अब तक का किसानों का हो चुका है, जबकि पहले कभी नहीं हुआ। जब से मिल बना है 1996 से, पिछले 22 वर्षों से ये समस्या हर साल रही है, इस बार जा करके अभी उसका 30% जो है वो हो गया है। माननीय मोदी योगी जी ने 5000 रुपये सॉफ्ट लोन मंजूर किया है, मुझे लगता है अगले 10-15 दिनों के अंदर यहाँ का पूरा गन्ना भुगतान का पेमेंट हो जाएगा। पहली बार हुआ है कई वर्षों में कि इस सरकार के प्रयास से हमारी दोनों कोऑपरेटिव मिलों का भुगतान जो है 100% हो चुका है, और हमारी एकमात्र जो प्राइवेट मिल है मलकपुर शुगर मिल, उसकी सॉफ्ट लोनिंग की प्रोसेस पूरी हो चुकी है, और उसका भी भुगतान अगले 7 दिन में 90% तक हो जाए, जो कि एक रिकॉर्ड है इस क्षेत्र का। सबसे अधिक दुर्घटनाएं होती हैं।